हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ जावा 20 के बारे में कि किस तरीके से हम जावा के अपग्रेडेड वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, जावा 20 वर्जन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। चलिए तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इंस्टॉलेशन के स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी रिक्वायर्ड डिजायर्ड ब्राउजर है आपको उसको ओपन करना है, एंड सिंपली गूगल को ओपन करके यू हैव टू राइट JDK डाउनलोड। ओके, जब आप JDK डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देयर इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जावा एंड दैट इज एन ओरेकल। जैसा कि हमने क्लास में बात की थी कि जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। एंड डोंट वरी, यहां तक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली जब क्लिक करेंगे तो यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, तो यहां पर आप देखिए, जब आप इस ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं तो यू विल फाइंड मल्टीपल जावा वर्जन, जावा JDK 20 है, JDK 17 है। ओके, तो यहां पर अभी हमें जाना है JDK 20 पे, और जब हम JDK 20 पे क्लिक करेंगे सो दैट देयर आर डिफरेंट वर्जंस ऑफ JDK 20s आर अवेलेबल, लाइक फॉर लिनक्स है, लाइक मैक ओएस है, विंडोज है। तो देखिए, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बट JVM इज नॉट। तो जब हम JDK को इंस्टॉल करेंगे सो दैट इट इंस्टॉल द जावा एनवायरमेंट ऑल्सो, जहां पर जावा एनवायरमेंट इंस्टॉल होगा JVM इंस्टॉल होगा। और याद है मैंने आपको बताया था JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो दैट्स व्हाई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने JDK वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं विंडोज के, तो आई जस्ट गो टू दिस विंडो ऑप्शन एंड देयर आर मल्टीपल इंस्टॉलर्स आर अवेलेबल। तो इनमें से हम सिलेक्ट करते हैं X64 MSI इंस्टॉलर, व्हिच इज MSI मींस इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड ऑप्शन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट टेक सम टाइम्स टू इंस्टॉल। अब देखिए डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको मैक ओएस के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी, बट डोंट वरी, मैक ओएस और लिनक्स के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू हाउ टू इंस्टॉल जावा फॉर मैक ओएस और फॉर लिनक्स। बट राइट नाउ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो विंडोज के लिए कर रहे हैं। तो X64 MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर पे हमने क्लिक किया एंड दिस विल टेक सम सेकंड्स आल्सो, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम सेटअप को स्टार्ट करेंगे। और आप एक काम और करिएगा, जब ये पूरा सेटअप अपना इंस्टॉल हो जाता है तो इसको अपने किसी फोल्डर में आप रख लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा उस सेटअप को डाउनलोड ना करना पड़े, क्योंकि अगर इनकेस फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट होती है तो दिस सेटअप इज अवेलेबल। ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, आई विल जस्ट चेक इट इन शो फोल्डर, ये डाउनलोड्स में मुझे मिल जाएगा। मैं सिंपली यहां से इसको कॉपी करता हूं या इसको कट कर लेते हैं, और कट करके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में। तो यहां पर मेरा अपना एक जावा सेटअप नाम का फोल्डर है जिसमें से मैं एग्जिस्टिंग को डिलीट करके और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। तो सी दिस वन, ये मेरा X64 विंडोज के लिए इंस्टॉलर रेडी है। अब मुझे सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड आई विल गो टू दिस इंस्टॉल ऑप्शन, और मैं डायरेक्टली भी इस पे क्लिक कर सकता हूं। सो दिस जावा सेटअप विल स्टार्ट इंस्टॉलेशन, राइट। ये जावा का सेटअप स्टार्ट हो गया है, और आप देखिए जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे सबसे पहले पाथ पूछ रहा है कि जो जावा का फोल्डर बनेगा वो डिफॉल्टली क्रिएट होगा सी में प्रोग्राम फाइल्स में जावा और JDK 20 के नाम से। यदि आप चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करेंट फोल्डर यही रहने दें, क्योंकि जो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर होता है विंडोज में ये स्पेशली सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए ही होता है, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं। जस्ट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन एंड दिस सेटअप विल गोइंग टू स्टार्ट, इट विल टेक हार्डली सम सेकंड्स, इट डिपेंड्स द स्पीड ऑफ द मशीन ऑल्सो, लेकिन कुछ टाइम ये लेगा। और देखिए ये जावा मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है, और आप देखिए इस पर्टिकुलर विंडो को ध्यान से समझिए। जब आप जावा को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अलावा जावा कुछ API डॉक्यूमेंट्स, कुछ गाइड्स, ठीक है, ये भी इंस्टॉल करने के लिए आपसे सजेशन मांग रहा है कि यदि आपको जावा के कुछ API डॉक्यूमेंट इंस्टॉल करना है तो आप इस पे नेक्स्ट स्टेप पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये API डॉक्यूमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डेवलपर गाइड क्या है, नोट्स, रिलीज नोट्स क्या है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेप वन पे हम पहले जावा को इंस्टॉल कर लें और एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जावा इंस्टॉल होगा, किस तरीके से हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लोज, और आप देखिए ये जावा का मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये तो अभी हमने स्टेप वन पे बात की, लेकिन यहां पर आपको स्टेप टू पे अब जावा का पाथ सेट करना कंपलसरी, यू नीड टू सेट द एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ फॉर जावा। वो किस तरीके से सेट करना है और क्यों करना है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आप देखिए
यदि मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज मुझे जावा का वर्जन देखना, राइट, तो यदि मैंने लिखा जावा -- वर्जन, राइट, सो दैट इट शोज मी दिस जावा लेटेस्ट वर्जन। लेकिन मैं यहाँ पर अगर कमांड रन करता हूँ जावा सी सपोज, तो ये जो मेरे सिस्टम पे आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी जावा का जो पाथ है वो सेट है। लेकिन ये पाथ सेट अगर आप यही कमांड अपने सिस्टम पे रन करेंगे सो दैट यू विल फाइंड डिफिकल्टीज। तो जावा पाथ सेट किस तरीके से करना है, आप देखिए कि जावा का वर्जन अगर आपको देखना है, जावा का पाथ अगर आपको देखना है, सॉरी जावा किस तरीके से कंपाइल या रन होती है, तो स्टेप वन पे हमें जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में, और उस पे पहुंचने के मल्टीपल ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, और आप दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज में जाइए एंड हियर यू विल फाइंड एन ऑप्शन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इस एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का। आप देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन इज फॉर यूजर वेरिएबल एंड सेकेंड इज फॉर सिस्टम वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझिए, यदि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां आपकी मशीन नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज हो रही है, मल्टीपल यूजर वांट एक्सेस द सेम मशीन, और आप उनमें से एक यूजर हैं और आप पर्टिकुलर अपने यूजर एनवायरनमेंट के लिए पाथ सेट करना चाह रहे हैं, तो यू जस्ट गो टू दिस पाथ ऑप्शन और यहां पर आप एडिट करके एनवायरनमेंट पाथ सेट कर सकते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट पाथ को सेट करने के लिए यहां पर अब आपको क्या करना है, इसके पहले आपको C में आना है, प्रोग्राम फाइल्स में आना है, और ये देखिए जावा का ये फोल्डर जो क्रिएट हुआ है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, और इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा JDK 20 के नाम से, राइट, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और यहां पर आप इस पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आपको इस पाथ पे जाके इसको पेस्ट करना है। तो यहां पर एडिट पे क्लिक करना है एंड देन गो टू दिस न्यू ऑप्शन एंड जस्ट पेस्ट इट, ठीक है, एंड क्लिक ऑन दिस ओके। ओके, तो ये आपने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया फॉर अ सिंगल यूजर, राइट। लेकिन अगर आप इसको सिस्टम पाथ में भी सेट करना चाहते हैं, मतलब यू नीड टू सेट दिस पाथ फॉर ऑल द यूजर्स, सो जस्ट गो टू दिस पाथ ऑप्शन, एडिट एंड सिमिलर ऑप्शन, देखिए जावा का ऑलरेडी पाथ सेट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एंड आई एम जस्ट सेट द न्यू एंड पेस्ट, राइट, एंड क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन एंड देन अगेन ओके एंड ओके। और इसके बाद जब आप अब जाके अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अगर आप देखना चाहते हैं कि जावा का अपडेटेड वर्जन आपका कौन सा इंस्टॉल्ड हुआ, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस जावा -- तो यू विल फाइंड दिस लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन 20.0.1। और यहां पर अब आप देखिए मैं इन कमांड्स के बारे में अभी आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन सिंपली यदि मैं लिखता हूं जावा सी एंड योर प्रोग्राम विल नॉट शो एनी एरर, ये कुछ इस तरीके का एनवायरमेंट आपको मिलेगा जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यदि सपोज आपने जावा सी लिखा है एंड यू विल फाइंड जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यदि इस तरीके की एरर आती है तो इसका मतलब है कि जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। बात समझ में आई है, मतलब या तो जावा इंस्टॉल नहीं हुआ है या आपने एनवायरमेंट वेरिएबल का पाथ सेट नहीं किया है, मतलब देयर इज सम इशू। लेकिन अगर आपने जावा सी लिखा है एंड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एन ऑप्शन, दैट मींस जावा इज परफेक्टली इंस्टॉल्ड एंड पाथ आपका जो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है, ठीक। अब इसके बाद हम जावा की एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो फॉर दैट मैंने नोटपैड ओपन किया, ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं आपको ये सारे ऑप्शन अभी क्लासरूम में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अभी आप इसकी कोडिंग वाले पार्ट पे बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, ये मैं केवल आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके बता रहा हूं कि किस तरीके से हम जावा को के प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर आप कोडिंग पे दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारा जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। system.out.println एंड जस्ट मैंने लिख दिया वेलकम इन जावा सीरीज ऑफ डेटा फ्लेयर, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, दिस इज व्हाट द प्रोग्राम। और मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाइड कर देता हूँ, वेलकम इन प्री जावा सीरीज ऑफ डेटा फ्लेयर, राइट, सो दैट आपको ये आउटपुट अगर मिलता है सो विल कंफर्म दैट इस प्रोग्राम को हमने सेव किया। और सपोज मैंने इसको अभी फिलहाल सेव कर दिया है सी ड्राइव में, सपोज मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है न्यू फोल्डर माई जावा के नाम से, ठीक है, और इस माई जावा में हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया है टेस्ट डॉट
जावा के नाम से। डोंट वरी, अभी मैंने आपको कोडिंग वाले पार्ट पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है क्लास में, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कोड क्या लिखा है, ये जब तक हम क्लासरूम में नहीं समझेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, केवल अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं, राइट। तो आफ्टर सेव दिस मैं वापस गया कमांड प्रॉम्प्ट पे और मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा, सीडी माय जावा फोल्डर, और यहां पर हमने लिख दिया जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सो दैट ओके और जावा टेस्ट, एंड वी आई गेट एन इंसल वेलकम इन फ्री जावा सीरीज ऑफ डेटा फ्लेयर। तो यदि ये रिजल्ट आपको मिलता है दैट मीन्स हमारा जावा परफेक्टली इंस्टॉल्ड हुआ है। तो एक बार क्विक रिविजन देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहां पर सिंपली यू हैव टू राइट डाउनलोड JDK, डाउनलोड JDK के बाद आपको Oracle की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपको JDK 20 पे क्लिक करना है और इसमें आपको JDK 20 पे विंडोज वाले ऑप्शन में जाना है, X64 MSI इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे सो जावा का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरी मशीन पे रखा हुआ है जावा सेटअप में। सिंपली आपको इसको डबल क्लिक करना है, जब आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये जावा का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी हमें API डॉक्यूमेंट इंस्टॉल नहीं करना है, तो एट द एंड जो API डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आएगा आप उसको भी नेक्स्ट स्टेप ना करें, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आप उसको बिल्कुल यूज करना, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड देन आफ्टर आपको जावा का पाथ सेट करना है, तो जावा के पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले आप जावा के पाथ को कॉपी कर लें, सी में प्रोग्राम फाइल्स में जावा में JDK में बिन में ये पाथ पूरा आप कॉपी कर लीजिए। और इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपको माय कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाना है, एंड देन आफ्टर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है और ये पाथ आपको यहाँ भी एडिट करना है, फॉर अ सिंगल यूजर एंड फॉर ऑल द यूजर यू हैव टू सेट इट हियर, ठीक है। न्यू पे क्लिक करके जस्ट आपको इसको पेस्ट करना है। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने सेट कर लिया है। सो आई होप ये, और उसके बाद आप ये छोटा सा एक प्रोग्राम, हो सकता है आपको भी ये प्रोग्राम में कुछ भी समझ में ना आए बिकॉज अभी मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बट डोंट वरी जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये एक एक लाइन को हम समझेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले आप एक बार जावा को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक। तो ये क्लास का नाम टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, प्रोग्राम को जब सेव करें तो जिस भी लोकेशन पे करें नाम उसका भी टेस्ट ही रखें। अभी ऐसा क्यों मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। जब हम जिस दिन हमारा पहला जावा का प्रोग्राम देखेंगे सारी बातें हम करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर इंस्टॉलेशन स्टेप्स, राइट। तो test.java के नाम से आप प्रोग्राम को सेव कर दें और एक बार इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जिस भी फोल्डर में आपने प्रोग्राम को रखा है सिंपली दो कमांड चलाएं, जावा सी test.java। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आप देखिए इसके बाद dir आप देखेंगे तो आपको दो क्लास फाइल मिलेगी, .java एंड .class फाइल, जिसमें हमने बात की थी, इट इज अ बाइट कोड एंड सिंपली यू हैव टू राइट जावा टेस्ट एंड यू विल फाइंड द आउटपुट। तो ये सारी स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगी, नॉट टू वरी। लेकिन इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है आई होप आपको समझ में आया है। तो यदि वीडियो समझ में आए हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। केवल किस तरीके से जावा इंस्टॉल करना है केवल अभी हमने इसके बारे में बात की है। बाकी बातों के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।